तभी है जब हम हर बच्चे के इवेल्युएशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें। मेरा अपना मानना है इवेल्युएशन पार्ट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हर बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। रादर फोकस ऑन योर सिलेबस, आप उसके कंटेंट पे काम करें, एक टॉपिक दे दो दे ताकि उसको लगे यार हाँ इतना गजब का मुझे कहीं नहीं मिलता। उसके लिए टीचरों खुद तैयार होकर जाना पड़ता है। अब मेरी चाहिए एडवांस की क्लास है, 28 साल के करियर के बाद भी मुझे लगता है कि एडवांस में जा रहा हूँ तो दोबारा रात को मैं तैयार होता हूँ। बड़े मैच वाली बात होती है उनके लिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन कहीं से भी आपके ऊपर आ सकता है और वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि बेटा कल इसको डिस्कस करेंगे तब देखे। तो जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ तो पूरा उसके साथ होमवर्क करके हम एंट्री करते हैं। भाई इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 12 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो बच्चा कौन सा क्वेश्चन लेके आए, तो उसके लिए आपको भी अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। सपोज करो आपके स्कूल में 20 टीचर्स हैं, सारे जबरदस्त है, लेकिन एक की फैन फॉलोइंग ऑटोमेटिक हो जाती है कि वो अपने बच्चों के पीछे काम करता है रादर देन सिटिंग इन द क्लासरूम, और आपका जो स्टाफ रूम है उसकी वजह अपने बच्चों पे काम करो, ब्रांडिंग आपकी ऑटोमेटिकली होती है। सबसे जरूरी इंटरेस्ट का पार्ट है इवेल्युएशन, आप अपने बच्चे के पीछे लग जाओ, एक टॉपिक में लगना है, सेकेंड में वो अपने आप चलना स्टार्ट होगा। टुडे लाइफ में देखते हैं जब हम खुद पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे का इंटरेस्ट बना देंगे। अगर मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ तो मेरा